अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बता रही हूँ भिंडी काटने का बगैर मेस के तरीका, बगैर गंदगी के तरीका। लेकिन इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैंने इस तरह से क्लिंग फिल्म लेके, प्लास्टिक रैप लेके और अपने कटिंग बोर्ड को अच्छी तरह से रैप कर लिया है। तो एक दफा रैप कर लें, ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं तो 3-4 दफा रैप कर लें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर से कोई शॉपर चढ़ा लें, और आप ये भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर कोई प्लास्टिक मोटी शीट रख के ऊपर से आप एक दफा से फॉइल कर लें। और अगर मैं जिस तरह कर रही हूँ तो इसमें ये है कि मैंने इस पे एक दफा रैप किया है और भिंडी के मैंने एजेस उतार लिए हैं, उसको लंबाई के रुख पे आधा किया है और बंद ही में लंबाई के रुख पे उसको आधे से आधा कर दिया, 4 हिस्से कर दिए और फिर उसको दरमियान में से आधा कर लिया। इस तरह से भिंडी काट लिया तो आपके हाथों पे भी ज्यादा लेस नहीं लगेगा, हाथों पे भी गंद नहीं मचेगा, हाथ भी लेस से भर जाते हैं भिंडी काटते हुए, तो बहुत मुश्किल होती है उनको साफ करने में, धोने में। तो इस तरह से उसको बंद बंद में कोशिश करें काट लें, ज्यादा खुल के आपके हाथों पे नहीं लगे तो आपके हाथ भी लेस से भरेंगे नहीं। तो इस तरह से मैं आपको सारी भिंडी काट के दिखाऊंगी। और एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप कोई साफ पेपर लीजिए या मोटी प्लास्टिक की शीट ले लीजिए, उसको इस तरह रख लीजिए और इस तरह से आप काटते जाइए। लेकिन नीचे ये लगाना जो क्लिंग फिल्म है या प्लास्टिक रैप है वो लगाना जरूरी है, इससे हमारा कटिंग बोर्ड बिल्कुल गंदा नहीं होगा। तो आप कोई पेपर ले सकते हैं, मोटी प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं और वो रख के और इस तरह से आप भिंडी को काटते जाएं, एजेस उतारें, सेंटर से हाफ करें, हाफ से हाफ करें और इस तरह से सारी भिंडी काट लें। और आप देखेंगे कि इतनी सफाई से आपकी भिंडी कटेगी, आपके हाथ भी ज्यादा गंदे नहीं होंगे। आप देखिए ज्यादा हाथ गंदे नहीं हुए हैं। और छुरी को जो है आप धोने से पहले टिश्यू से अच्छी तरह जो है, एब्जॉर्बेंट पेपर से, टिश्यू से, किचन में आप जो यूज करते हैं टिश्यूज वगैरह, उससे अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, उसके बाद धोइएगा। वरना पानी से धोने जाते हैं तो इतना सारा पानी जाया हो जाता है और फिर भी सही से साफ नहीं होता है। तो और उसके बाद जो मैंने रैप किया था क्लिंग फिल्म प्लास्टिक रैप कटिंग बोर्ड पे, उसको मैंने खोल लिया है और उसी के अंदर सारा जो कचरा है उसको मैंने बंद कर दिया। आप देख सकते हैं बोर्ड कितना साफ सुथरा है और आपके हाथ भी ज्यादा गंदे नहीं हुए, छुरी भी नहीं ज्यादा गंदी हुई। छुरी को जब टिश्यू से साफ कर लेंगे, और ये सीड्स जो ज्यादा पके हुए थे वो मैंने रख लिए हैं भिंडी का पौधा उगाने के लिए। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।